गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने तो मानो जीत का शोर पहले ही छा गया। टीम इंडिया के हित में गंभीर के फैसलों को देखने के लिए फैंस बेताब थे। T20 सीरीज में गंभीर की कोचिंग वाली टीम इंडिया उम्मीदों पर खरी उतरी और श्रीलंका का सुपड़ा साफ किया, लेकिन वनडे में टीम चुनने में गंभीर गलती कर बैठे। भले ही इस मुद्दे पर अब मिट्टी पड़ चुकी हो, लेकिन समय रहते इस गलती को नहीं सुधारा गया तो टीम इंडिया को इसका बड़ा नुकसान भुगतना होगा। गौतम गंभीर ने वनडे टीम में दो विकेट कीपर्स को मौका दिया था, जिसमें कि एक केएल राहुल और दूसरा ऋषभ पंत शामिल हैं। T20 में पंत ने शानदार फॉर्म में दिखाया था, लेकिन वनडे में अभी उन्हें मौका नहीं दिया गया। पंत के स्थान पर केएल राहुल को तहरीज दी गई, जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहले वनडे में राहुल 43 गेंद में 31 रन बनाने में कामयाब हो सके, इसके बाद दूसरे वनडे में राहुल खाता भी खोलने में कामयाब नहीं रहे। राहुल के फ्लॉप शो के चलते टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर बिखरा नजर आया। गौतम गंभीर की कोचिंग में संजू सैमसन को मौके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी उनके गेम के साथ खिलवाड़ हो गया। मौका मिला, लेकिन उस फॉर्मेट में जहां वह पहले से ही फ्लॉप नजर आ रहे थे। वनडे में संजू के आंकड़े बेहतरीन नजर आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरे पर बेहतरीन शतक लगाया था। इसके बावजूद सैमसन को वनडे सीरीज में बाहर बैठा दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्हें मौका दिया जाता है या नहीं। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे जीत की दहलीज पर आकर गवा दिया। भले ही यह मैच टाई हो गया, लेकिन टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ी हार की तरह थी। दूसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा ने 64 रनों की धांसू पारी खेली, इसके बावजूद निचले क्रम के बल्लेबाज अपना रोल निभाने में कामयाब नहीं हो सके। भारतीय टीम को दूसरे वनडे में बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी वनडे के प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। टीम इंडिया की यह गलती नहीं सुधरी तो सीरीज भी गंवानी पड़ सकती है। तीसरे मैच में दोनों टीमें 7 अगस्त को आमने सामने होगी।